हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेडिकल पल्स नीट चैनल। तो एवरीवन, टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी बीएससी नर्सिंग इंटेंस एग्जाम 2024 रिलेटेड इंपॉर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो टुडे जो है हम लोग बायोडाइवर्सिटी, जैसा कि हम लोग जो है बायोडाइवर्सिटी चैप्टर के जो है पार्ट फर्स्ट एमसीक्यू को डिस्कस कर लिए थे, तो यहाँ पे जो है पार्ट सेकेंड एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो इसको जो है यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले आप सभी को जो है नर्सिंग डे आज, जैसा कि क्या है, आज 12 मई है। आज 12 मई को जो है क्या है, नर्सिंग डे। जो फ्लोरेंस नाइटिंगल नामक जो है नर्स थी, मतलब जो लेडी थी, इन्हीं के नाम पर जो है इन्हीं को जो है फादर ऑफ नर्सिंग या नर्सिंग के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगल का जन्म जो है 12 मई 1820 ईस्वी को, जो है 12 मई 1820 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो प्रथम विश्व युद्ध के समय जितने भी जो सैनिक जो कि घायल हुए थे, इन्होंने जो है लैंप ले करके, मतलब रात रात को जो है इन्होंने उन लोग की सेवा की थी, मतलब उनकी जो है देखभाल की थी, उनकी केयर की थी। तो इसी कारण जो है फ्लोरेंस नाइटिंगल के नाम पर जो है 12 मई, मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगल जो है इनका जन्म जो है 12 मई 1820 ईस्वी को हुआ था। तो 12 मई 1820 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, तो 12 मई को ही जो इनके जन्म, इनके बर्थडे के दिन में ही जो है नर्सिंग डे के रूप में जो है इनके बर्थडे को जो है नर्सिंग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो है आप सभी को क्या है, नर्सिंग डे की सबसे पहले आप सभी को जो है ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो जितने भी स्टूडेंट जो कि नर्सिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आज जो है एक बहुत ही स्पेशल दिन है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगल के बर्थडे के दिन, जो बर्थडे है उसी के डे पे जो है नर्सिंग डे मनाया जाता है। तो इसका जो है आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी को पता है आज क्या है, आज जो है मदर्स डे, आज जो है नर्सिंग डे और मदर्स डे दोनों हैं। तो आप सभी को जो है मदर्स डे 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो हम जो है मदर्स डे पर एक लाइन बोलना चाहते हैं कि सभी की माँ जो है, जो माँ होती है वह जो क्या कहती है, मतलब एक माँ जो होती है वह अपनी बेटी अपने बच्चों से क्या कहती है कि पैसे तो सब कमाते हैं लेकिन बेटी तुम नाम और इज्जत कमाना। मतलब क्या है, पैसे तो सब कमाते हैं, तुम नाम और इज्जत कमाना, मतलब कि तुम नर्सिंग के क्षेत्र में या फिर किसी भी एरिया में अपना एक जो है सुनहरा भविष्य बनाकर जो है तुम एक नाम और इज्जत कमाना, ना कि पैसे। तो नाम और इज्जत कमाना अलग बात है और पैसे कमाना अलग बात है। नाम और इज्जत जो है कमाने में बहुत दिन लग जाते हैं, पर पैसे कमाने में बहुत दिन नहीं लगते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो अगेन आप लोग को जो है नर्सिंग डे एंड मदर्स डे 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल डियर माय फ्यूचर नर्सिंग स्टूडेंट एंड ऑल डियर नर्सिंग एस्पायरेंट, आप सभी को ढेर सारी नर्सिंग डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, रेड डाटा बुक निम्न में से किसके द्वारा बनाई गई। तो फर्स्ट ऑप्शन है IUCN, सेकेंड है IUCNNR, थर्ड ऑप्शन है WPSI एंड लास्ट ऑप्शन है द बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी। तो रेड डाटा बुक जो है वह किसके द्वारा बनाई गई है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। तो कभी कभी इंटेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि जो IUCN है उसका क्या नाम है, तो IUCN का नाम जो होता है, फुल फॉर्म जो होता है पूरा, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे करके जो होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सांसद द्वारा भारतीय जैव विविधता अधिनियम पारित कब किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है 2002 में, सेकेंड है 2000 में, थर्ड है 1996 में एंड लास्ट ऑप्शन है 1992 में। तो संसद द्वारा भारतीय जैव विविधता अधिनियम जो है वह जो है 2002 में जो है पारित किया गया था, मतलब लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब लागू हुआ। फर्स्ट ऑप्शन 1986 में, सेकेंड है 1980 में, थर्ड 1974 में एंड लास्ट ऑप्शन 1968 में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, 1986 में। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में निम्न में से किसमें सर्वाधिक आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। तो यह क्वेश्चन जो है डी फार्मा के इंटेंस एग्जाम 2020 के डी फार्मा के इंटेंस एग्जाम में, यूपी पॉलिटेक्निक के इंटेंस एग्जाम में आया था, और यह क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर बीएससी नर्सिंग के जो है 2020 के इंटेंस एग्जाम में आया हुआ था। तो पहला ऑप्शन दिया आम, सेकेंड है चाय, थर्ड है गेहूँ एंड लास्ट ऑप्शन है सागौन। तो भारत में निम्न में से किसमें सर्वाधिक आनुवंशिक जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, आम। जो मैंगो होता है उसी में जो सर्वाधिक जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से किस पौधे की स्पीसीज विलुप्तप्राय पौधों की सूची में है। फर्स्ट ऑप्शन है यूकेलिप्टस, सेकेंड डिलोनिक्स, थर्ड ऑप्शन है नेफेंथिस एंड लास्ट ऑप्शन है सिरेटोफिल्लम।
तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला, नेपेन्थीज। तो नेपेन्थीज जो है वह एक कीट भक्षी, कीट भक्षी का मतलब है ऐसे ऐसे प्लांट जो कि कीटों का भक्षण करते हैं, मतलब फूड के रूप में कीटों को खाते हैं। तो नेपेन्थीज जो है कीट भक्षी पौधा है। अगला प्रश्न है, कौन सी जाति दिए गए क्षेत्र में प्रतिबंधित है? तो यह देखिए जिपमर 2001, BHU 2004 में जो है आया, मतलब इसके एंट्रेंस एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है सिबलिंग जाति, सेकंड एंडमिक जाति, थर्ड एलोपेट्रिक जाति एंड लास्ट है सिम्पेट्रिक जाति। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, एंडमिक जाति। अगला प्रश्न है, भारत में अत्यधिक जैव विविधता का क्षेत्र है? फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिमी घाट, सेकंड है मध्य भारत, थर्ड है ट्रांस हिमालय एंड लास्ट है गंगा के क्षेत्र। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, जैव विविधता की लोक समिति का बिल आया, जो जैव विविधता की लोक समिति का बिल था वह कब आया था? फर्स्ट ऑप्शन है 6 जून 1992 में, सेकंड है 3 अक्टूबर 1994 में, थर्ड ऑप्शन है 4 अक्टूबर 1993 में एंड लास्ट ऑप्शन है 29 दिसंबर 1993 में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, 29 दिसंबर 1993 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान में निम्न में से किसे संरक्षित किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्लोरा को, सेकंड है फाना को, थर्ड ऑप्शन ए व बी दोनों एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यह क्वेश्चन रिवाइज हो गया, तो इसका जो ऑप्शन सही है वह सी वाला हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, भारत में हॉट स्पॉट की संख्या है? फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड है 2, थर्ड ऑप्शन 3 एंड लास्ट ऑप्शन है 4। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वाला, 2। अगला प्रश्न है, भारत की 2 हॉट स्पॉट उत्तर पूर्व हिमालय तथा पश्चिमी घाट में निम्न में से किसकी अधिकता है? फर्स्ट ऑप्शन है उभयचर, सेकंड तितली, थर्ड ऑप्शन है सरीसृप, लास्ट ऑप्शन है उभयचर, सरीसृप, कुछ स्तनधारियों, तितली तथा पुष्पीय पादप। तो भारत के 2 हॉट स्पॉट हैं जो कि उत्तर पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट में हैं। तो इन दोनों में जो किसमें जो सब किसकी जो है सबसे अधिक अधिकता है, मतलब जो पर मतलब जो पॉपुलेशन है किसकी सबसे अधिक है ये बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, उभयचर, सरीसृप, कुछ स्तनधारियों, तितली तथा पुष्पीय पादप। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय पार्क को एक सींग वाले भारतीय गैंडे का नया घर कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है जिम कार्बेट, सेकंड है बांधवगढ़, थर्ड है दुधवा एंड लास्ट ऑप्शन है कान्हा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला, दुधवा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस औषधीय पौधे की प्रजाति भारत में संकटग्रस्त की श्रेणी में है? फर्स्ट ऑप्शन है नेपेन्थीज, सेकेंड है ओसिमम, थर्ड है लहसुन एंड लास्ट ऑप्शन है पोडोफाइलम। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, पोडोफाइलम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वन्य जीव संरक्षण से संबंधित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन ICN, सेकंड IVWL, थर्ड ऑप्शन IVF एंड लास्ट ऑप्शन है WWF। तो WWF का नाम जो है वर्ल्ड वाइड फंड है और यहाँ पे IVF का नाम है इंट्रा वेटरनरी फर्टिलाइजेशन है। IBW इंडियन बोर्ड ऑफ विल्ड लाइफ। IBWL का नाम क्या है? इंडियन बोर्ड ऑफ विल्ड लाइफ। ICN का हमने नाम ऊपर आपको बताया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 14 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, IVF। इस क्वेश्चन का यहाँ पे IVF नहीं होना चाहिए, या जो आंसर गलत दिया है तो इसको आप लोग थोड़ा सा सर्च करके देख लीजिएगा, हम सर्च करके नहीं देखते हैं। तो इसका जहाँ तक हमें पता है वन्य जीव संरक्षण से संबंधित नहीं, अच्छा नहीं, इसका ऑप्शन सी क्या पूछा, वन्य जीव संरक्षण से संबंधित नहीं है। तो IVF जो है वह फर्टिलाइजेशन ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन सी ही जो है सही ऑप्शन है इसका। ये जो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन, सेकेंड वाला ऑप्शन और थर्ड वाला ऑप्शन दिया है, तीनों क्या है जो है वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है, लेकिन IVF जो है वह वन्य जीव संरक्षण से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राष्ट्रीय पार्क में बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है सुंदरवन, सेकंड है रणथंभौर, थर्ड ऑप्शन है कार्बेट एंड लास्ट ऑप्शन है कान्हा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, सुंदरवन। अगला प्रश्न है, कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भारत द्वारा किस सन में चुना गया? फर्स्ट ऑप्शन 1992 में, सेकंड है 1988 में, थर्ड
थर्ड है 1993 में एंड लास्ट ऑप्शन 1994 में। तो कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को इंडिया के द्वारा जो 1994 में जो है चुना गया था, ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। तो यह क्वेश्चन हम आप लोग के लिए दे रहे हैं, आप लोग इसको वीडियो में कमेंट कीजिएगा क्योंकि यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यह जो जीके में भी पूछा जाता है और जो है कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट या विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। अगला प्रश्न है इधरी पाया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है मॉरिशस में, सेकेंड है फिजी में, थर्ड ऑप्शन है मेडगास्कर में एंड लास्ट ऑप्शन है भारत में। तो इधरी जो है वह जो है मेडगास्कर में पाया जाता है। सिमली पाल पक्षी बिहार जो है कहाँ पे स्थित है, फर्स्ट ऑप्शन है अभ्यारण्य, सेकेंड है जैव मंडल आरक्षण, थर्ड ऑप्शन है चिड़ियाघर एंड लास्ट ऑप्शन है केवला राष्ट्रीय उद्यान। तो सिमली पाल जो है वह जैव मंडल आरक्षण एरिया है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस कशेरुकी समूह में सबसे अधिक विलुप्त प्रजातियां हैं, फर्स्ट ऑप्शन है स्तनधारी, सेकेंड है सरीसृप, थर्ड ऑप्शन है पक्षी एंड लास्ट ऑप्शन है मछलियां। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला स्तनधारी। अगला प्रश्न है मानस अभयारण्य स्थित है, फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, सेकेंड है असम, थर्ड ऑप्शन है बिहार एंड लास्ट ऑप्शन है गुजरात। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा 21 का बी वाला हो जाएगा असम, जो मानस अभ्यारण बिहार स्थित है वह जो है असम में स्थित है। अगला प्रश्न है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो यह क्वेश्चन रिवाइज हो चुका है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है जो कि लखनऊ से 100 किलोमीटर आगे है। अगला प्रश्न है राजस्थान की स्टेट बर्ड राज्य पक्षी है, फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सेकेंड हॉर्नबिल, थर्ड ऑप्शन है फ्लेमिंगो एंड लास्ट है सारस क्रेन। तो करेक्ट ऑप्शन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान है, तो यह क्वेश्चन भी रिवाइज हो चुका है, जो भारत में प्रथम फर्स्ट स्टेबलाइज जो नेशनल पार्क है वह जो है कॉर्बेट है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है काजी रंगा वन्य प्राणी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, फर्स्ट ऑप्शन है कस्तूरी मृग, सेकेंड है हाथी, थर्ड ऑप्शन है टाइगर एंड लास्ट ऑप्शन है गैंडा। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी वाला गैंडा। अगला प्रश्न है राजा जी नेशनल पार्क स्थित है, फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक में, सेकेंड है उत्तरांचल में, थर्ड ऑप्शन तमिलनाडु में एंड लास्ट ऑप्शन है राजस्थान में। तो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला उत्तरांचल में। अगला प्रश्न है भारतीय पादप जातियों की रेड लिस्ट का निर्माण किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, सेकेंड है तो यहाँ पे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे VSI, सेकेंड है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो इसे कहेंगे ZSI एंड थर्ड ऑप्शन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, बी वाला क्या है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला प्रश्न है क्यू का प्रसिद्ध वानस्पतिक उद्यान निम्न में से किस देश में है, फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, सेकेंड इंग्लैंड, थर्ड ऑप्शन है भारत एंड लास्ट ऑप्शन है जर्मनी। तो क्यू का प्रसिद्ध बॉटनिकल उद्यान जो है पार्क जो है वह इंग्लैंड में है। अगला प्रश्न है एक लुप्त उड़ान रहित चिड़िया डोडो किस देश में आती है, फर्स्ट ऑप्शन है लक्षद्वीप, सेकेंड है मॉरिशस, थर्ड ऑप्शन है कनाडा एंड लास्ट ऑप्शन है आइसलैंड। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वाला मॉरिशस। अगला प्रश्न है फ्लोरा का विलुप्त प्राय सदस्य है, फर्स्ट ऑप्शन है एक सींग वाला राइनो, सेकेंड है ड्रोसेरा इंडिका, थर्ड ऑप्शन है उड़ने वाली गिलहरी एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वाला ड्रोसेरा इंडिका। अगला प्रश्न है यदि अत्यधिक ऊंचाई पर पक्षी दुर्लभ हो तो कौन से पौधे अदृश्य हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन है ऑक, सेकेंड ऑर्किड्स, थर्ड ऑप्शन है पाइन एंड लास्ट ऑप्शन है रोडोडेंड्रोन्स। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी वाला रोडोडेंड्रोन्स। अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें कोर जोन, बफर जोन तथा मैनी पोल्यूशन जोन पाए जाते हैं,
तो फर्स्ट ऑप्शन है अभयारण्य, सेकेंड है बायोस्फीयर रिजर्व, थर्ड ऑप्शन है बाघ आरक्षित क्षेत्र एंड लास्ट है राष्ट्रीय पार्क। तो जो यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व, इसे जो हिंदी में क्या कहा जाएगा, जैव मंडल आरक्षित, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, कोर जोन, बफर जोन तथा मैनिपुलेशन जोन, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन एक नवीकरणीय, छह संसाधन है। फर्स्ट ऑप्शन है पेट्रोलियम, सेकेंड है कोयला, थर्ड ऑप्शन है वन एंड लास्ट ऑप्शन है खनिज। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वाला वन। अगला प्रश्न है, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता क्या प्रदर्शित करती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, क्षेत्र में निवास करने वाले जीवों की विविधता को ही भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में निम्न में से किसकी सर्वाधिक जातियां पाई जाती हैं। तो यह क्वेश्चन डी फार्मा पॉलिटिक ने डी फार्मा के 2020 के इंट्रेंस एग्जाम में पूछा था। फर्स्ट ऑप्शन है पक्षी, सेकेंड है कवक, थर्ड ऑप्शन है कीट एंड लास्ट ऑप्शन है आवृत। तो वर्ल्ड में जो है, विश्व में जो है, कीट की सबसे सर्वाधिक जातियाँ पाई जाती हैं और कीट जो है वह फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। कीट को जो है हेक्सापोडा क्लास में रखा जाता है, हेक्सापोडा क्लास में रखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, कीट। अगला प्रश्न है, पवित्र उपवन विशेषतया किस संदर्भ में उपयोगी होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मृदा अपरदन को रोकना, सेकेंड है नदियों में वर्ष पर्यंत पानी का प्रवाह, थर्ड ऑप्शन है पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना, लास्ट ऑप्शन है दुर्लभ तथा संकटापन्न जातियों का संरक्षण। तो पवित्र उपवन विशेषताएं जो है दुर्लभ तथा संकटापन्न जातियों के संरक्षण से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक जैव विविधता में निम्न में से किसकी जातियों की अधिकतम संख्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कवक की, सेकेंड है लाइकेन की, थर्ड ऑप्शन है मॉस एवं फन की, उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन दिया है सहवाल की। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, कीट के बाद अगर सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है किसकी, तो कवक का, फंगस का पाया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन XC2 पादप संरक्षण में प्रयुक्त नहीं होता है। तो XC2 का मतलब है कि बाह स्थानीय पादप संरक्षण में प्रयुक्त नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्षेत्र जीन बैंक, सेकेंड है वनस्पति उद्यान, थर्ड ऑप्शन है बीज बैंक एंड लास्ट ऑप्शन है स्थानांतरित या झूम कृषि। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी वाला, यहाँ पे स्थानांतरित या झूम कृषि। तो स्थानांतरित या झूम कृषि वह कृषि है, जैसे कि आप लोगों ने मान लीजिए धान का फसल आपके यहाँ बोया गया, धान का फसल बोने के बाद धान की फसल की कटाई कर ली गई, तो उसका जो मतलब जो इसके मतलब जो सूखे जो चारे निकलते हैं, मतलब धान के जो मतलब जिसे पूरा बोला जाता है, मतलब जो जिसे पूरा बोला जाता है, तो धान का जो निकलता है मतलब जो उसका सूखा मतलब पार्ट निकलता है, तो इसको क्या किया जाता है, जला दिया जाता है। तो इसी को स्थानांतरित या झूम कृषि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक समिष्टि की आनुवंशिक संतुलन में रहने की प्रवृत्ति किसके द्वारा भंग हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रवास के अभाव द्वारा, सेकेंड है यादृच्छिक संगम के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है यादृच्छिक संगम के अभाव द्वारा एंड लास्ट है उत्परिवर्तनों के अभाव द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वाला, यादृच्छिक संगम के अभाव द्वारा। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले जानिए क्योटो प्रोटोकॉल है क्या। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है O3 ओजोन गैस के संरक्षण के लिए जो चलाया गया था। तो पूछा क्या अनुमोदन कहाँ से हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन है COP6, सेकेंड है COP3, थर्ड ऑप्शन है COP4 एंड लास्ट ऑप्शन है COP5। तो यहाँ पे COP का मतलब है क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, COP3। अगला प्रश्न है, नॉर्मन मेयर द्वारा अब तक विश्व में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान की जा चुकी है। फर्स्ट ऑप्शन है 43, सेकेंड है 34, लास्ट थर्ड ऑप्शन है 25 एंड लास्ट है 17। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वाला 34। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संकटमयी प्राणी व पौधों के बाह स्थानीय संरक्षण से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है जैव विविधता हॉटस्पॉट, सेकेंड है वन्य प्राणी सफारी पार्क, थर्ड ऑप्शन है अमेजन प्रचुर वर्षा वन एंड लास्ट ऑप्शन है हिमालयन क्षेत्र। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वाला, वन्य प्राणी सफारी पार्क।
अगला प्रश्न है, एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने सर्वप्रथम क्या वर्णित किया? फर्स्ट ऑप्शन है पारिस्थितिक जैव विविधता, सेकेंड जाति क्षेत्र संबंध। तो यह सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन जो है मोस्ट ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड थर्ड ऑप्शन है सीमाकारी कारकों के नियम, एंड लास्ट ऑप्शन है समिष्टि वृद्धि समीकरण। तो एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट नामक साइंटिस्ट ने जो है जाति क्षेत्र संबंध को स्थापित किया था पॉपुलेशन के मध्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बाह्य स्थानीय संरक्षण में सम्मिलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है वानस्पतिक उद्यान, सेकेंड है सैकर्ड ग्रुप, थर्ड ऑप्शन है वन्य जीव सफारी पार्क, एंड लास्ट ऑप्शन है सीड बीज बैंक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, सैकर्ड ग्रुप। अगला प्रश्न है, सन 1992 में रियो डी जेनेरो में संपन्न हुआ पृथ्वी सम्मेलन क्यों किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है CO2 उत्सर्जन और वैश्विक उष्मन को कम करने के लिए, थर्ड है जैव विविधता के संरक्षण के लिए और इससे लाभ के धारणीय उपयोग के लिए, थर्ड ऑप्शन है आक्रामक अपृतड़ जातियों द्वारा स्थानीय जातियों पर हुए जोखिम के मूल्यांकन के लिए, लास्ट ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को तत्काल समाप्त करने के लिए जो ओजोन परत का हास कर रही है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला, जैव विविधता के संरक्षण के लिए और इससे लाभ के धारी उपयोग के लिए, जो है सन 1992 में रियो डी जेनेरो में जो है पृथ्वी सम्मेलन को चलाया गया था। अगला प्रश्न है, पादप और जंतुओं को विलोपन के कगार पर लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण है? फर्स्ट ऑप्शन आवासीय क्षति तथा विखंडन, सेकेंड है सूखा व बाढ़, थर्ड ऑप्शन है आर्थिक दोहन, एंड लास्ट ऑप्शन है विदेशी जातियों का आक्रमण। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, आवासीय क्षति तथा विखंडन जो है पादपों और जंतुओं के विलोपन के लिए मुख्य कारण है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट आप लोग आंसर आता रहेगा और जानकर भी नहीं दे पाएंगे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, सेकेंड ऑप्शन है वन्य जीव अभ्यारण्य, थर्ड ऑप्शन है वानस्पतिक उद्यान, एंड लास्ट ऑप्शन है पवित्र वन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, वानस्पतिक उद्यान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है? तो यह क्वेश्चन अभी जो ऊपर हमने पढ़ा है क्वेश्चन यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वह सी वाला ही रहेगा, वानस्पतिक उद्यान। अगला प्रश्न है, पादप और जंतुओं के विलोपन, इसका भी यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट ऑप्शन रहेगा, आवासीय क्षति तथा विखंडन। अगला प्रश्न पूछा है, विश्व के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जाति विविधता दर्शाता है? फर्स्ट ऑप्शन है अमेजन के जंगल, सेकेंड है भारत का पश्चिमी घाट, थर्ड ऑप्शन है मेडगास्कर, एंड लास्ट ऑप्शन है हिमालय। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, अमेजन के जंगल। तो थोड़ा सा जो है हेल्थ हमारा थोड़ा सा ठीक नहीं है, इस वजह से अगर आपको आवाज़ जो धीमा सुनाई दे रहा हो तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। आप लोग जो थोड़ा सा वॉल्यूम तेज करके आप लोग जो या एयरफोन यूज करके आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। अगला एंड लास्ट प्रश्न पूछा है, निम्न में कौन फसलों के बायोफोर्टिफिकेशन का उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन की मात्रा में सुधार करना, सेकेंड ऑप्शन है सूक्ष्म पोषकों एवं खनिजों की मात्रा में सुधार करना, थर्ड है प्रोटीन की मात्रा में सुधार करना, एंड लास्ट है रोगों की प्रतिरोधकता में सुधार करना। तो कौन जो है फसलों के बायोफोर्टिफिकेशन का उद्देश्य नहीं है पूछा है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, रोगों की प्रतिरोधकता में सुधार करना, यह नहीं है। बाकी यहाँ पे तीनों जो है, बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब है कि इस प्रोसेस के द्वारा जो मतलब फसल होते हैं उनमें जो है न्यूट्रिएंट का अमाउंट जो है विटामिन न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों की जो अमाउंट है उसको मतलब अधिक मात्रा में बढ़ाया जाए, ना कि रोगों की प्रतिरोधकता में सुधार किया जाए। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो डियर स्टूडेंट, अगेन आप सभी को जो है नर्सिंग डे 2024 एंड मदर्स डे 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल मेडिकल पल्स नीट। जुड़े रहिए हमारे चैनल मेडिकल पल्स नीट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ।